एवरीवन, मैं हाँ कोमल सेंट सोल्जर टाइम्स तो, और अज असी खड़े हाँ जी बबरीक चौंक दे नेड़े शहर जलंधर दी ग्रीन नर्सरी दे विच। सो ग्रीन नर्सरी दे विच बहुत सारे बूटे ने, बहुत ही प्यारे फ्लावरिंग बूटे ने जो खास करके इस मौसम च लगते ने। सर्दी के मौसम की गल कर रही हाँ तो असी पूछांगे कि कहड़े कहड़े पौधे सर्दी के मौसम में लाने चाहिए ने और किवें उन्हां दी देखभाल करनी चाहिए। कहिंदे ने जिवें एक माँ अपने बच्चे नूं बड़े ही प्यार नाल पालदी है, वड्डियां करदी है, उसे तरह माली भी अपने बूटियां नूं प्यार दे नाल पालदा है, वड्डियां करदा है, तो फिर जाके बूटियां दी एक जो ग्रोथ हुंदी है उभर के निकलदी है, तो बड़े ही प्यारे प्यारे फुल निकलते हैं। तो आओ करते हैं फिर गल्लां कि किवें उन्हां दी केयर करदे ने। बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। की नाम है जी थोड़ा? मनीष राज नाम है जी। मनीष जी, जिन्हें भी इतने पौधे ने पहला तो दसो कि कहड़े कहड़े फुल बूटे ने और कहड़े कहड़े पौधे ने। मैम अजकल का जिदा जो मौसम के मुताबिक है जी, सीजनल फ्लावर विंटर सीजन के ये फ्लावरस है। इस तो अलावा अपने को फ्रूट्स प्लांट्स हो गए और थोड़े बहुत वैजीटेबल प्लांट्स और ऑर्नामेंटल डेकोरेशन इंटीरियर होंगे जिदा प्लांट्स, वो सब प्लांट्स मिल जाते जी अपने को। सारे प्लांट्स है जी। जी जी। किन्ने टाइम तो इस नर्सरी काम करते पे हो? ये तो मैम मेरी खुद की नर्सरी रहने ली, मैं इस 4.5 साल हो गए जी। जी जी। तो 5 साल तो किन्ने क लोग इतने आ रहे हैं और किन्ने कि इतों मतलब जो फुल जो बूटे ने वो लेके जाते हैं? मैम बहुत चलता अजकल के जो कल्चर के हिसाब ना, काफ़ी प्लांट्स इन्हों का मतलब दिलचस्पी लैन लग गए लोग, तो बहुत प्लांट्स इदा तो कह नहीं सकते अराउंडली 15-20 बहुत कस्टमर आंदा इस सामने, कोई गिनती नहीं है जी। जी जी जी। कहंदा भावे कि जलंधर दे विच लोगां नूं पौधे बहुत ज़्यादा पसंद ने और खास करके फुल बूटे बहुत ज़्यादा पसंद ने, क्योंकि उन्हें लगता होंदा कि उन्हां दे घर दे बगीचे विच बहुत ज़्यादा फुल होण ते उन्हां दा घर बहुत ज़्यादा सोहणा लगे। सो कुछ इदां दे भी इत्थे फुल बूटे हैगे ने जिन्हां दे नाल कहंदे साडे घर दी नेगेटिविटी चली जांदी है? जी मैम, इदां दे कुछ प्लांट्स होंदे अजकल काफ़ी चलते, जिदा मनी प्लांट हो गया, क्रैसुला हो गया, लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल हो गया, और पाम दी वैरायटीज हो गई, काफ़ी बहुत वैरायटीज आंदी। ओ कित्थे ने बूटे सानू भी दिखाओ? ये जिदा अच्छा होंगे कई जिदा मनी वास्ते लगा लेंगे, उस तो अलावा नैगेटिविटी वास्ते तो वधिया प्लांट्स है जी। जी ये हो गया एक, इस तो अलावा बैक साइड से जी एक क्रैसुला, बहुत ज्यादा डिमांडिंग प्लांट है, बाहरले देश से दूसरों को गिफ्ट भी करते हैं एज अ फेस्टिवल ते। बहुत वधिया प्लांट है, खासकर दिवाली ते बहुत ज्यादा चलता है जी, वैसे तो है ही वधिया जी। फिर इसकी लक्ष्मी कमल की वरायटी एक है, विष्णु कमल हो गया जी, इधर साइड जी जो एक है, ये छोटे साइज है जी, ये ही वड्डा साइज है जी। गोबर वाली खाद होगी, प्लस अपना जो सर्दी अपना गर्मी का टाइम होंगे जी, उदो थोड़ी जी बोन मील वगैरह पा सकते जी, और पानी की बहुत घट लोड पैंदी जी इन्हां नूं। नीचे भी बहुत प्यारे प्यारे बूटे ने, फुलदान ने, इन्हां बारे दसो। ये कैक्टस प्लांट्स होंगे मैम जी, अपनी अपनी पसंद होंगी जी, अजकल ज्यादा ट्रेंड अजकल बहुत चल रहा है जी, चलता है जी बहुत ज्यादा डिमांड से, और लो मेंटेनेंस प्लांट है जी। जी आप जो नाटक देखते हैं कार्टून वाले नाटक, उन्होंने बड़े दिखाए जाते हैं, तो टुपक टुपक करके जाना होंगे जी बूटा। ये वरायटी होंगी जी, होर भी करीबन कैक्टस से बहुत वरायटीज आती है, अराउंडली 1000+ वरायटी होंगी जी, जो इधर के क्लाइमेट के हिसाब से अपने को प्लांट्स होंगे जी। अराउंडली किन्ने किन्ने इन्हां दे प्राइस ने? मैम स्टार्टिंग हो जाती 100 रुपीज़ तो, बाकी डिपेंड करती है प्लांट की क्वालिटी और साइज उत्ते रेट दी। जिहड़े फ्लावर वाले बूटे ने ओह किहड़े किहड़े फ्लावर ने? फ्लावर च मैम अजकल जो सीजनल स्टार्टिंग आप देखा जी, डायंथस कहते जी, एक काफ़ी टाइम तक चलता रहता, अराउंडली मार्च अप्रैल तक ज्यादा निकल जाता जी टाइम फ्लावरिंग का। फिर उसके अलावा फिर गेंदा हो गया, तो फ्रेंच मैरीगोल्ड कहते जी, विनका हो गया, इस तो अलावा जी ऑर्नामेंटल च लगाना है बाहरली वरायटी होंगी जी, चाइनीज गोभी कह दें, वैसे यदा नाम केल है जी, ये हो गया। फिर इस तो अगे जी सननेरिया, ये सब फ्लावरिंग बंचेस वाले फ्लावरिंग है, और फ्रूट्स से कहेंगे तो अपना कलकत्ते की मिर्च होंगी जी। हाँ जी, वाह ये देखते हैं जी, आओ जी, फ्रूटिंग भी बहुत होती है। वाह जी वाह, ये है कलकत्ते की मिर्च, इनू असी सब्जी भी यूज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ जी हाँ जी मैम कर सकते जी। ये उदा ही कोड़ी हुंदी है या मतलब की? एज अ टेस्ट वधिया जी, मतलब एकदम भी ज्यादा तेज नहीं है और ज्यादा लो भी नहीं है, मीडियम च कोई भी खा सकता है। तो बड़े प्यारे प्यारे फूलदान भी ने, बहुत प्यारे प्यारे बूटे भी ने, और बहुत ही प्यारियां प्यारियां फलियां जी भी लगी हुई ने, ये की चीज है? अपराजिता कहते मैम, ये भी अच्छा होंगे जी, मतलब नेगेटिव वास्ते वधिया होंगे, शंख पुष्प जो इहदा हर्बल प्लांट का नाम है जी, दवाइया वगैरह च भी यूज होंगे, टीवी बनती है फ्लावर की, और शनिदेव नूं इहदा फुल बहुत पसंद है जी। सो बहुत सारे डेकोरेशन वाले भी फ्लावर्स हैगे ने, और भी काफ़ी मतलब छोटे छोटे गुलदस्तों जो कि तुम बीज के रखा है?
ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਲੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਬਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਲਾਵਰ, ਅੱਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੇਲ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਜੋ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਕੇਲ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੀਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਅਰਾਊਂਡਲੀ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਕੋਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਗੋਬਰ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੇਤਾ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਕੀ, ਪਪੀਤਾ ਹੈ? ਪਪੀਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਰੈਡ ਲੇਡੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿਓ ਫਰੂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਫਰੂਟਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਹਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਧੁੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਬੂਟੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ? ਸੇਫਟੀ ਮੈਮ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਦਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੋਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੋਰਮੈਂਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੌਦਾ, ਰੈਸਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫਰਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਿਕਲਣੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਜੀ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਟੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਣ? ਮੈਮ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਨੀਅਰ ਬਬਰੀਕ ਚੌਂਕ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜੀ 120 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸੇਂਟ ਸੋਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਮਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।